आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में। मैं पुष्पा चौधरी। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी की प्रदेश इकाई ने मंगलवार को राज्य में शहीद सम्मान यात्रा शुरू की। जी हां, 17 से 19 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय यात्रा के आरंभ में ही पुलिस ने बिना इजाजत यात्रा निकालने के आरोप में कई बीजेपी नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर शहीद सम्मान यात्रा में बाधा देने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, दीदी डर गई है और आने वाले पंचायत और नगर पालिका चुनाव में TMC की पराजय तो तय है। दरअसल हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए बंगाल से केंद्र में चारों मंत्री यानी कि सुभाष सरकार, जान बारला और शांतनु ठाकुर और निशित प्रमाणिक इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बंगाल से पार्टी के सभी सांसद और विधायक एवं अन्य वरिष्ठ नेता भी इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं कोरोना महामारी के नाम पर ममता सरकार भाजपा की यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है। इधर इस यात्रा के मद्देनजर एक बार फिर से ममता सरकार और भाजपा के बीच टकराव की आशंका हो गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।